वेलकम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज आपके साथ एक और ब्यूटीफुल सा ड्रेस शेयर करूंगी जो कि मैंने परचेज़ किया है कराची ब्रांडेड कलेक्शन से, ऑनलाइन परचेज़ किया है। आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि यह ड्रेस कैसा निकला है और इसकी प्राइस कैसी है और क्या ये ओरिजिनल था या फेक था, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, येलो कलर की इसकी शर्ट है, साथ में इस तरह से मेहंदी से कलर का इसके साथ कंट्रास्ट किया हुआ, क्योंकि दुपट्टा इसका इस तरह से है। तो सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप में नेकलाइन है। ये जो आपको ऊपर जैकेट नज़र आ रही है सेपरेट से, ये देखें इस तरह से जैकेट स्टाइल आजकल काफ़ी इन है, तो इसलिए ये देखें, ये मैंने पैच परचेज़ किया था, दो इस तरह के पैचेस थे, तो उनको मैंने ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर इस तरह से अप्लाई करवाया दोनों साइडों पे, और इस तरह से ये देखें जैकेट बना ली। यहाँ से ये अटैच है नेक के साथ, यहाँ से शोल्डर के साथ भी और यहाँ से भी, और यहाँ से मैंने फिटिंग वाली सिलाई के अंदर दे दिया। जस्ट यहाँ से ये इतनी सी ओपन होती है दोनों तरफ से इस तरह से। ये पैच जो था, ये दोनों पैचेज़ और इसके साथ चार पैचेज़ और थे, ये मुझे 350 में सेट मिला था। ये देखिए, इसके ऊपर ज़री वर्क हुआ हुआ है, सारा थ्रेड और ज़री वर्क है, काफ़ी खूबसूरत सा इस तरह से ये जैकेट बन गई है। और ये खुला कुर्ता बनाया मैंने, देखें खुला कुर्ता बनाया है समर के लिए। इस कुर्ते की लेंथ जो है वो 38 इंचेस है, और इसके साथ एक बॉर्डर दिया हुआ था साइड पे इस तरह से। ये देखें, ये पिंक वाला बॉर्डर, इसको फिर मैंने इस तरह से ज्वाइन लेस के साथ जो है वो अटैच किया। ज्वाइन लेस मैंने वो वाली यूज़ की है जिस कलर का ट्राउज़र है, और साइडों पे सिंपल ट्राउज़र की जो पट्टियाँ हैं वो फोल्ड की हैं बैक और साइडों पे इस तरह फ्रंट पे। इस पर ये देखें, ये आजकल ऑर्गेन्जा पेटल वाला बहुत इन है, या आपको इस तरह से लेसेस भी मिल जाती हैं, लेकिन लेसेस काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं, तो ये मैंने घर में ही येलो और वाइट कलर का ऑर्गेन्जा लेके इसकी इस तरह से पेटल्स बनाई हुई हैं। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये पेटल्स ऑर्गेन्जा की किस तरह से बनती हैं, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये शाइनिंग में ऑर्गेन्जा आता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से। ये देखें, पेटल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रख के, तो इस तरह से ये लेस बनाई हुई है। ये देखें, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, इस तरह से ये ऑर्गेन्जा की पेटल्स हैं लगाई हुई हैं सिंपल। इसका बैक फ्रंट का प्रिंट जो था वो सेम था, इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ था, बैक साइड के बॉर्डर को भी मैंने इस तरह ज्वाइन लेस के साथ अटैच किया है। इसके स्लीव्स जो थे वो साइड से बनने थे, इसका बॉर्डर स्लीव्स का दिया हुआ था इसी तरह से जैसे शर्ट का दिया हुआ, तो बॉर्डर को जब मैंने अटैच किया तो इसके अंदर इस तरह से शलवार के जो है वो समोसे से बना के मैंने जॉइंट में भी लगा दिए और आगे वाली साइड पे भी इस तरह से लगा दिए। तो इस तरह से खुले खुले से स्लीव्स हैं। इसका जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि ये मुझे मिला था 1650 में ड्रेस था, और 100 रुपीज़ इसकी मुझे डिलीवरी पड़ी थी, 350 रुपीज़ में मैंने इसके ऊपर पैचेस लगाए थे। तो इस तरह से ये मुझे ड्रेस इस तरह बजट में पड़ा। इसका फैब्रिक जो है वो ओरिजिनल है, जिस ब्रांड का उन्होंने बताया था बिल्कुल ओरिजिनल निकला, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है। इस तरह से कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा था, बॉर्डर इसका येलो कलर का था, इस तरह से मैंने इस पर येलो कलर की ये जिगजैग वाली लेस पीको होती है वो वाली पीको करवाई हुई है सिंपल सी, और पीछे से इस तरह से डाई एंड डाई में जैसे चुनरी का प्रिंट होता है वैसे इसका दुपट्टा दिया हुआ है, सेंटर से इस तरह सा है, और पल्लू जो है इसके इस तरह से येलो कलर के हैं। फैब्रिक की क्वालिटी मैं आपको यहाँ से भी चेक करवा देती हूँ, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका। अब आपके साथ शेयर करूँगी इसका ट्राउज़र की भी डिटेल, कटिंग और स्टिचिंग अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। ये जो मैं आपको पैच बता दी थी जिसका मैंने पीटी बना के जैकेट बना के लगाई है, उसके ये शोल्डर के पैचेस दिए हुए थे इस तरह से। ये देखें, यहाँ तक चार पैचेस साथ में शोल्डर के दिए हुए थे, तो फिर इस तरह से मैंने वो शोल्डर वाले पैचेस जो हैं ये पाइपिंग के साथ पिंक कलर की जो उसमें टच आ रहा था हल्का सा पिंक कलर की पाइपिंग के साथ इस तरह पांचे पे लगाए हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैं अब क्लोज से दिखाती हूँ, ये देखें डोरी की मैंने लूप्स बनाई हैं वाइट कलर की इस तरह से, और उसके अंदर दो दो पर्ल अटैच कर दिए हैं इस तरह से। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ा कट में नहीं रखा, बस नॉर्मल सा कट रखा है इस तरह से। ये क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए डोरी आपको नज़र आ रही होगी, डोरी के मैंने लूप्स बनाए हैं और लूप्स के अंदर फिर मैंने दो दो पल्स अटैच कर दी हैं। ये देखें, इसकी इस तरह से शेप आएगी, यहाँ से ये इस तरह राउंड है दोनों, क्योंकि यहाँ तक ये देखें जो उन्होंने शोल्डर की एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी इस पर भी सिक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, तो वो फिर मैंने इस तरह से अटैच कर दिया। आप यहाँ पर कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं, कोई पाइपिंग वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह से शोल्डर की शेप नहीं है तो आप इस शेप में कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं।